अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद मसूद दिस इज़ क्लास नंबर ट्वेल्व ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीएचपी प्रोग्रामिंग टुडे टॉपिक्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग और कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे और ये चैप्टर नंबर सिक्स है Uh, इसके अंदर हम uh, हमने लास्ट टाइम आपको फ़ाइव स्टेटमेंट बताई थी कि uh, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पर हम कंडीशन uh, अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर पांच तरह से हम या पांच फाइव uh, स्टेटमेंट uh, जो है यूज़ करते हैं कंडीशन मेकिंग के लिए उसमें नंबर वन है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट नंबर टू है इफ़ एल स्टेटमेंट नंबर थ्री हैल सिफ एल सिफ और एल स्टेटमेंट नंबर फोर है स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नंबर फाइव है कंडीशन ऑपरेटर ये पांच के टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम कंडीशन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है इनमें से हम इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर आज हम आगे चलेंगे और इफ़ और एल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये किस तरह से लगाते हैं और Uh, कहाँ पर इस स्टेटमेंट uh, को इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है तो चलें चलते हैं इफ, और स्टेटमेंट। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है uh, बिल्कुल उसी तरह से आप uh, ब्राउजर पे जाएंगे आप और वहां पर आपने uh, जो मेरी साइट है uh, वेबसाइट सर उसे आपने एक्सेस करना है तो <coughs> एंटर कीजिए ये मेरी वेबसाइट आपके सामने आ गई यहाँ पर पी प्रोग्रामिंग का लिंक है इस पर क्लिक कीजिए जैसे कि आप जानते हैं और यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर सिक्स है डिसीजन मेकिंग इन पी पी इस फाइल को व्यू कीजिए ठीक है जनाब तो यहां पर डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे और ये फाइव टाइप के स्टेटमेंट्स हैं तो आज स्टार्ट करेंगे हम नंबर थर्ड इन इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट जी ये है थ्री टाइप ऑफ कंडीशन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन यानी इफ एल्स इफ else statement. Uh, this bring up the other if else uh, construct. If else if else the construct is useful uh, where two or more alternative are available for selection. Mm -hmm. यानी कि याद रखिएगा कि अगर आपके पास uh, किसी भी एक expression के ऊपर आपके पास uh, multiple ऑप्शन्स हों, चूंकि if और else में क्या होता है आपके पास ये दो ही choices होती हैं।

डिफरेंट uh, ग्रेड्स आपने कैलकुलेट करने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज एटी सेवा है तो आप चाहते हैं कि जी ए प्लस ग्रेड शो करे या आप चाहते हैं कि अगर सेवेंटी और एटी के दरमियान अगर परसेंटेज है तो वो ग्रेड ए शो करे या सिक्सटी और सेवनटी के दरमियान अगर परसेंटेज है तो वहाँ पर वो बी यानी ग्रेड शो करे तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज के बाद मल्टीपल चॉइसेस हैं मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो फिर इस केस के लिए याद रखिएगा ना तो आप सिंपल इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो सुटेबल नहीं है और ना आप इफ़ और एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी इस काम के लिए सुटेबल नहीं है तो जब मल्टीपल च्वासिस हो या मल्टीपल ऑप्शन हो आपके पास किसी एक एक्सप्रेशन के ऊपर तो फिर वहाँ सबसे सुटेबल जो स्टेटमेंट है इफ़ की वो ये है इफ़ और एल सिफ और एल सिफ और एल्स स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है तो इसमें होता क्या है इसका सेंटेंस क्या होगा इसका सेंटेंस इस तरह से कि आप सिंपल इफ लिखेंगे ठीक है और पहली आप जो भी एक्सप्रेशन है कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई करेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल जो है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्लियर ये बात ध्यान में रखिएगा <coughs> यानी ये कि <के>, <coughs> अगर आपके पास यानी कि कंडीशन ट्रू होती है उसको आप तो कंट्रोल कहाँ आएगा इस जगह पे आ जाएगा और यहां पे जो भी स्टेटमेंट होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती अगर सपोज करें तो फिर क्या होगा वो सेकेंड एल्स इफ पे आएगा और ये सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर टू क्या होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट और उसके बाद कंट्रोल कहा जाएगा वापस बाहर आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा क्लियर ठीक है अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती यानी पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो वो इफ पे आया था और यह कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर ये इस एल्स पे आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या होगी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्लियर ठीक है और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा आखिर में वो else में आएगा और सिर्फ इस स्टेटमेंट नंबर फोर को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा क्लियर तो याद रखिएगा इन चारों इन तीनों कंडीशंस के अंदर यानी वन ये रही दूसरी ये रही तीसरी येरी। इन तीनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी अगर पहली फर्स्ट करें तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो पहली कंडीशन ही ट्रू होते ही इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके वो कंट्रोल बाहर आ जाएगा वो अगली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा चाहे वो कंडीशन ट्रू ही क्यों ना याद रखिएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अगली कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं ठीक है तो इस कंडीशन को या इस स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं ओके okay? तो ये कॉन्सेप्ट है इस इफ और एल सिफ का तो नीचे देखते हैं इसका जो इसकी जो एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं यहां पे देख लीजिए आप एक लेटर है आपके पास सपोज करें यहां पे देखिए अल्फाबेट के अंदर आपने ए जो है वो स्टोर किया हुआ है उसकी वैल्यू असाइन की हुई है तो इफ डॉलर अल्फाबेट अगर बराबर है किसके ए के या डॉलर अल्फाबेट बराबर है किसके स्मॉल ए के अब यहां पर याद रखिएगा ये यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है ये एक एक्सप्रेशन एक एक है और यहां से लेके यहां तक ये यह दूसरी एक्सप्रेशन है और बीच में आपने ऑपरेटर इस्तेमाल किया है कौन सा और का और का मतलब नहीं या का क्लियर तो ये आप और का ऑपरेटर अब उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास दो एक्सप्रेशन हो और दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिखा हुआ ए फॉर अल्लाह क्लियर ठीक है अगर आप कीबोर्ड से ए एंटर करें या एक कैपिटल में एंटर करें या स्मॉल में करें दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा ए फॉर अल्लाह अगर आप एंटर नहीं करते यहां पे बी आप स्टोर कर देते हो तो चूंकि पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो कहा चला जाएगा एल में आ जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि डॉलर अल्फाबेट में क्या है बी है अगर बी आपने स्टोर किया हुआ है तो फिर क्या होगा यानी uh, कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो दोनों में से कोई भी एक uh, ने कंडीशन ट्रू होगी तो क्या लिखा हुआ है बी फॉर बिस्मिल्ला क्लियर और इसी तरह से अगर अल्फाबेट uh, के अंदर आपने सी स्टोर कर रखा है या सी इनपुट करते हैं तो इस केस के अंदर जो कंडीशन uh, आपकी uh, ट्रू होगी सी तो यहाँ लिखा हुआ है सी फॉर कैपिटे और अगर फॉर एग्जाम्पल ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती ना अल्फाबेट इक्वल टू ए है ना अल्फाबेट इक्वल टू बी है ना अल्फाबेट इक्वल टू सी है तो इस केस में क्या होगा कि अदरवाइज यानी कि एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे देखें कोई इफ नहीं है ये आखिरी कंडीशन आखिरी यानी कि वर्ड है एल्स का ये सब होता है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो बस सूरत दीगर क्या कर दो ये मैसेज प्रिंट कर दो और चूंकि यहाँ मैं लिखा हुआ ई को कर दो हेडिंग दी नंबर थ्री फॉर्न कलर दिया रेड और लिखा और इसका कैसे आएगा? देखें, मेरा यहां पे दिया हुआ कैसे और ऐसा दे देंगे, जो ए बी या सी में नहीं होगा तो यहाँ पर देखें रेड कलर में लिखा हुआ जाएगा अन नॉन करेक्टर चाहे जिस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले आप ड्रीम uh, पर आप रन uh, कर लीजिए ठीक है यहां पे आप एस्टिमेट फाइल आप ओपन सॉरी पी एच पी की फाइल आप क्रिएट कीजिए और आपने करना क्या है कि यहां से इस प्रोग्राम को कॉपी कर लें कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा और यहां पर पेस्ट कर लें टॉप पे कर लीजिए ठीक है जनाब अब इस प्रोग्राम को थोड़ा बेहतर तौर तो पर समझने के लिए थोड़ा बेहतर कर लीजिए कि सपोज़ करें कि ये यहाँ पर सिंपल आपने एक वैल्यू असाइन की हुई है ये कंडीशन लगाई है ये आपने मैसेज प्रिंट किया है ये सेकंड कंडीशन है उसके बाद आपने सेकंड मैसेज प्रिंट किया है आपने ठीक है ये आपकी थर्ड कंडीशन है उसके बाद आपने थर्ड मैसेज प्रिंट किया है और इसके बाद ये आखिरी यानी कि कंडीशन कंडीशन नहीं बल्कि एल्स है जब तीनों कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या कर दो ये काम कर दो ठीक है जनाब इसको आपने यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है ओके जनाब इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए आप और जब सेव करेंगे तो आप जानते हैं कि सेव कहाँ करना है आपने आ, सी ड्राइव के अंदर जैम के फोल्डर में एस डॉक के फोल्डर में और यहाँ पर आप चाहें तो एक न्यू फोल्डर बना लीजिए आप कंडीशन के नाम से कंडीशन अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर सॉरी एल्स इफ अंडरस्कोर एल्स ताकि याद रहे कि हमने इस प्रोग्राम के इस फोल्डर के अंदर जब प्रोग्राम बनाया एज एग्जांपल के तौर पर वो इफ़ इफ और एल्स स्टेटमेंट को हमने यूज़ किया है क्लियर और इसमें जब हम फाइल सेव करेंगे उसका नाम रख दीजिए आप इंडक्स और एंटर कर दीजिए तो ये फाइल सेव हो चुकी है अच्छा अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आपको अपाची सर्वर जो है उसकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा सी ड्राइव में जाइए जैम में जाइए यहाँ पर जो है आपके पास जैम कंट्रोल पैनल है इस प्रोग्राम को आप रन कर लीजिए और जब ये कंट्रोल पैनल रन हो जाए तो यहाँ से अपाची सर्वर के जो सर्विस है उसको स्टार्ट कर लें आप ठीक है उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लीजिए जब ये ग्रीन कलर में अपाची का जो शेड आ जाए बना हुआ इट्स इस मीन्स अपाची सर्वर आ, व, व, विल बी रन मिनिमाइज कीजिए मिनिमाइज कीजिए ब्राउजर पे जाइए क्या लिखेंगे यहां पर आप लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम था कंडीशन अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर एल्स एल अंडरस्कोर एल्स एंटर कीजिए देखिए आउटपुट क्या आ रहा है ए फोर अल्लाह क्लियर हो गई बात अच्छा अब एक काम कीजिए प्रोग्राम में जाइए और यहाँ पे चेंज कर दें ए की जगह पे आप सी स्टोर कर दें और वो चाहे स्मॉल में स्मॉल में करें या कैपिटल में करें दोनों सूरतों में हमने कंशिया लगा रखी है तो देखें अब इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए सी फोर कैप्टन और अगर आप दोबारा से प्रोग्राम में जाइए और सी की जगह पे आप कोई ऐसा करेक्टर दे दें जो इस कंडीशन के अलावा हो ना ए बी और सी के अलावा हो फॉर एग्जांपल आपने टी प्रेस कर दिया है सेव कीजिए प्रोग्राम को और उसके बाद उसको रन करके देखें अब आउटपुट क्या आ रहा है क्लियर तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था यानी कि इफ और एल्स कंडीशन यानी स्टेटमेंट आपने जो लगा के देखी उससे हमने ये प्रोग्राम बना के देखा अच्छा एक काम और करें इसमें इसको थोड़ा यूजर इंटरफेस कर लेते हैं ताकि हमें और प्रोग्राम ज्यादा बेहतर हो जाए और आप सीख भी सकें कि इस प्रोग्राम को डायरेक्टली यानी कि अल्फाबेट जो है वो आप वैल्यू क्या कर रहे हैं उसमें असाइन कर रहे हैं एक काम करते हैं हम इनपुट uh, कर लेते हैं इनपुट करने के लिए आपको याद है इसमें हमने हमको जो है एसटीमल फॉर्म बनाना पड़ेगा तो फाइल पे जाइए न्यू कीजिए और न्यू करने के बाद यहाँ पे आप एस्टिमल फॉर्म एक उसकी फाइल क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर आप सिंपल एस्टीमल फॉर्म यानी इनपुट फॉर्म बना लेते हैं ठीक है तो टैग क्या यूज़ करेंगे फॉर्म मैथड क्या यूज़ करेंगे आप पोस्ट ये सब आपको मैं बता चुका हूँ और एक्शन के अंदर यहाँ पे आपने बात याद ये याद रखें एक्शन में हमने जो अभी फाइल बनाई है उसका नाम क्या है उसका नाम है इंडेक्स डॉट पी एच पी ओके जनाब इसको आप क्लोज कर लें यहाँ पर और एंट्री कीजिए यहाँ पर आपने इनपुट लेना है तो यहाँ पे इनपुट ले लीजिए इनपुट टाइप और टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर आपने नेम इनपुट कर लिया इसका नाम रख दीजिए आप टी एक्स टी करेक्टर ठीक है यह आपने यहां इस का जो नाम दिया है वो टी एक्स टी एक्स टी करेक्टर दिया प्लेस होल्डर में आप मैसेज लिख दीजिए टाइप any करेक्टर ठीक है करेक्टर कह लें या लेटर कह लें मर्जी आपकी और मेंशन कर दें आप कि आपने ए से लेकर सिर्फ सी तक देना है ओके ठीक है जनाब और उसके बाद फिर आप एक बटन ले लीजिए आप बटन उसकी टाइप ले लीजिए आप समेड और इसका नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं या इसको छोड़ दीजिए फिलहाल और इसके बाद फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर लीजिए ठीक है जनाब और इसके बाद यहाँ पे आप आ, लिख सकते हैं एंटर एनी करेक्ट ठीक है ताकि मैसेज वैसे भी लिखा हुआ आ जाए और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ आ जाए ओके okay जनाब तो ये आपका एक फॉर्म मैंने डिजाइन कर लिया है। ठीक है जनाब और इसको सेव कर लीजिए आप और चाहे तो यहां पे छोटा सा छोटी सी हेडिंग दे दीजिए जस्ट लाइक एच वन इनपुट फॉर्म सेव कीजिए इसको इसका नाम रख दीजिए सपोज करें इनपुट लेटर या इनपुट करेक्टर ठीक है नाम आप कोई भी रख सकते हैं सिर्फ तो ये फाइल का नाम है आपने इसे नाम रखा इनपुट करेक्टर ताकि याद रहे इनपुट करेक्टर डॉट एस टी एम उस फाइल को सेव कर लीजिए अब आपने क्या करना है ब्राउजर पे जाइए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोकल होस्ट जो फोल्डर है अब उस फांफ उस फोल्डर में याद रखिएगा दो फाइलें एक फ़ाइल है आपके पास याद रखिएगा उसकी इंडेक्स फाइल है और दूसरी फ़ाइल है करेक्टर इनपुट करेक्टर की फाइल याद रखिएगा अच्छा एक बात और प्रोग्राम के अंदर आपने थोड़ा तो चेंज करना है जो पी की फाइल थी इंडेक्स फाइल इसमें आपने टी स्टोर किया हुआ अब यहाँ से आप क्या कर दें इस इक्वल टू के बाद जो आपने असाइन कर रखी है आ, वैल्यू एक डबल कोटेशन में टी इसको रिमूव कीजिए और जैसे कि आप जानते हैं आपने फॉर्म पे जो डेटा इनपुट करेंगे वो यहाँ पे आपने रिसीव करना है तो रिसीव करने के लिए आप सुपर ग्लोबल या ऑटो ग्लोबल वेरिएबल्स आप यूज करते हो तो वो इस तरह यूज करोगे आप डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट चूँकि आपने पोस्ट मेथड यूज किया है तो उसके हिसाब से आप पोस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं टी मतलब ओके तो अब वो क्या होगा कि जो भी आप वहां पर करेक्टर इनपुट करोगे वो यहां पर अल्फाबेट में रिसीव हो जाएगा और उसके बाद जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके मुताबिक आपको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा इस फाइल को भी सेव कर लीजिए अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो फोल्डर का नाम क्या था कंडीशन कंडीशन इफ एल्स इफ एल्स अब यहाँ पर बाकायदा आप सबसे पहले आप इनपुट करेक्टर की फाइल क्या करेंगे आप uh, उसको एग्जीक्यूट करेंगे डॉट एस टी एम एल फाइल क्लियर इनपुट करेक्टर डॉट एस टी एम एल एंटर कीजिए तो देख लीजिए यहां पर आप यहाँ पर आपने नोट अच्छा एक प्रॉब्लम आ, आ गई है ठीक है एंटर करेक्टर इनपुट ले रहा है लेकिन यहाँ जो बटन है वो बटन सही नहीं बना हुआ उसको सही कर लेते हैं फिलहाल तो आ, सही कैसे करेंगे वहां पे प्रॉब्लम क्या की है इनपुट करेक्टर के अंदर यहां पे देखिये आपने बटन टाइप सबमिट तो लिया लेकिन आपने लिखा नहीं आपने कोई मैसेज कि वो किस किस्म का बटन है तो यहां पर लिख दीजिए आप आ, सिंपल लिख दें आप सबमिट लिख दीजिए ओके और सेव कीजिए अब प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए तो देख लीजिए यहां पर एंट्रेन करेक्टर आपसे इनपुट ले रहा है ओके और जो टेक्सट बॉक्स है उसके अंदर भी मैसेज लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर सबमिट का बटन है अब यहाँ पर आपने क्या करना है फर्स्ट करें आपने ए इनपुट किया और आप सबमिट कीजिए जैसे आप सबमिट uh, 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 करेंगे तो आउटपुट देखें क्या आ रहा है अन नॉन करेक्टर लाइन नंबर टू पे एरर है इसको चेक करें हा, हालांकि आउटपुट uh, आना चाहिए था ए फोर अल्लाह ये क्यों ऐसा हुआ लाइन नंबर टू पे कोई प्रॉब्लम है उस पहले एरर को आप दूर कर लीजिए इनपुट कैरेक्टर उसमें जाइए अच्छा इनपुट कैरेक्टर में नोट कर लीजिए यहां पे आपने लिखा हुआ है टी एक्स टी करेक्टर सी एच ए आर करेक्टर की स्पेलिंग में करेक्टर आपने इस तरह से लिखा हुआ है और वहां पे क्या लिखा हुआ है इंडेक्स में वो चेक कर लीजिए आर ए सी टी आर देख लीजिए स्पेलिंग में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो डेटा को, आ, को जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहा था अब फाइल को दोबारा से सेव कीजिए दोनों फाइलों को दोबारा सेव कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे अब प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए ए इनपुट कीजिए सबमिट कीजिए अभी भी एरर आ रहा है तो चेक करें ज़रा ऐसा करें जो नेम आपने यहाँ पर जो भी वेरिएबल ले रखें इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए ताकि कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो सही हो जाए ठीक है इस फाइल को या सेव ऑल कर लीजिए और इसके बाद प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करके कर देखें रिफ़्रेश कीजिए प्रोग्राम को पहले उसके बाद यहाँ पर आप प्रेस कीजिए ए से कीबोर्ड से ए टाइप कीजिए सबमिट कीजिए ए फॉर अल्लाह बैक कीजिए ए की जगह पे आप बी दे दीजिए आप सबमिट कीजिए बी फॉर बिस्मिल्लाह बैक कीजिए यहाँ पे सी दीजिए आप सी फॉर कैप्टन बैक कीजिए आप यहाँ पे डी डी प्रेस कीजिए देखें आउटपुट क्या है अन करेक्टर चूंकि आपने कंडीशन जो लगा रखी है वो आपने सिर्फ ए uh, और बी और सी uh, uh, के ऊपर आपने कंडीशन लगा रखी है तो उसके मुताबिक वो आपको आउटपुट दे रहा है तो ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है, ये बेसिकली ये आपको एक यूजर इंटरफेस uh, के तहत मैंने आपको इफ और एल्स इफ और स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके मैंने बताया इस एग्जाम्पल से आप बहुत और से और बहुत सारे एग्जाम्पल आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये बात क्लियर हो गई अच्छा जनाब मिलीमाइज कीजिए और दोबारा से आइए उस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर देखें अब इस एग्ज़ाम्पल के अलावा और कौन से एग्ज़ाम्पल है तो उसको चेक कर लेते हैं अब यहाँ पर देखें डिफरेंस बिटवीन द इफ़ एंड एस इफ़ इज़ दैट क्या फ़र्क है इन दोनों प्रोग्राम के अंदर इसको ज़रा गौर से देखते हैं देखिए यहां पर आपने एक परसेंटेज का प्रोग्राम बनाया है एक, एक परस, ग्रेड आपने निकालना है और वो जो ग्रेड है वो डिपेंड कर रही है परसेंटेज के ऊपर अब यहाँ पर देखें सिंपल इफ आपने स्टेटमेंट स्टेट इस्तेमाल किया और यहाँ पर आपने जो है आ, इफ और एल इफ को इस्तेमाल किया है तो दोनों के अंदर आउटपुट में क्या फर्क होगा उसको गौर से देखते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए आप आ सिंपल इफ स्टेटमेंट को अगर डॉलर पी आर वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू असाइन की सेवेंटी टू ओके और इसके अंदर आपने कंडीशन लगा रखी है कि इफ अगर डॉलर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटी है तो देन क्या करो ई को प्रिंट कर दो ग्रेट ग्रेट ए प्लस और अगर ये कंडीशन अगर चूँकि अभी परसेंटेज के जो वैल्यू है सेवेंटी टू है ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कंडीशन अब कहाँ आएगा नीचे आएगा द तो कंट्रोल जो है वो नीचे चेक करे चेक करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि डॉलर पी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवेंटी चूँकि ये कंडीशन टू है क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या सेवेंटी टू है तो, है, तो ये कंडीशन क्या होती है सेटिसफाई होती है तो उसके मुताबिक ई को यानी प्रिंट कर देगा ग्रेड ए

ऑल्सो सेटिस्फाई और ट्रू देन मैसेज डिस्प्ले ई को ग्रेड ग्रेड सी तो ये मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा तो आउटपुट आपके पास आ रहा होगा ग्रेड ए ग्रेड बी और ग्रेड सी तो इस तरह से वो आउटपुट दे रहा होगा हालांकि उसको सिर्फ ग्रेड ग्रेड uh, जो है वो यानी कि ए शो करना चाहिए लेकिन वो बी और सी को भी डिस्प्ले कर रहा है uh, इस केस के अंदर जब आपने सिंपल इफ कंडीशन को लगाया है लेकिन यही प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इफ और एल सिफ को आपने इस्तेमाल किया है तो देखें अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा अगर आप परसेंटेज के अंदर 67 स्टोर करते हैं तो कंट्रोल जब वो नीचे आएगा इफ कंडीशन के ऊपर और यहां पे कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन जो है वो एटी से परसेंटेज की वैल्यू जो है वो एटी से अबव है चूंकि ऐसा नहीं है तो कंट्रोल कहा जाएगा इस एल के ऊपर आ जाएगा और इस इस के अंदर चेक करेगा कि क्या परसेंटेज की वैल्यू सेवेंटी से अब है ग्रेटर है या बराबर है तो कंडीशन ये भी ट्रू नहीं है तो कंट्रोल अब कहाँ जाएगा इस एल्स पे आ जाएगा अब यहाँ चेक करेगा कि डॉलर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू यस दिस कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है और इसके मुताबिक जो मैसेज प्रिंट करेगा वो ग्रेड बी कर देगा और इसके बाद कंट्रोल बाहर निकल जाएगा इस यानी कि बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा और चुक, और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा चूँकि यहाँ पे कोई और स्टेट में मौजूद नहीं है और तो आउटपुट क्या आ रहा होगा ग्रेड बी आ रहा होगा तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर ये जो इफ़ और एल सिफ है ज़्यादा सुटेबल ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इफ़ कंडीशन के ओके okay? अगर इस प्रोग्राम को चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं किस तरह से चेक करेंगे आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए प्रोग्राम को ठीक है जनाब अच्छा एक काम ये करते हैं वही प्रोग्राम हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं और यहां जो आपने लिखा था अल्फाबेट इसको अल्फाबेट ही रहने दीजिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहां पर आप पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लें ओके ठीक है थोड़ा प्रोग्राम को बेहतर तौर पर लिख लीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो ठीक है अच्छा अब यहां पर अल्फाबेट चूंकि आपने जो वेरिएबल है वो पी आर के ऊपर आपने कंडीशन लगानी है आप पी ई आर जो परसेंटेज है इसको आप यहां से रिमूव कर लीजिए और ये जो अल्फाबेट है इसको ई आर कर लीजिए आप ठीक है और यहां पर आप ले लीजिए टी एक्स टी टी एक्स टी पी ई आर ओके तो ये तो आपने जो इंडेस फाइल थी पी एच पी की उसमें आपने सिर्फ ये आपने थोड़ा चेंज कर लिया ताकि आपको प्रोग्राम आपका जो है वो परसेंटेज के मुताबिक चल सके अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डॉलर पी आर एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो है आप इनपुट करेंगे एक फॉर्म के ज़रिए और वहाँ से आपने एक पर्सेंटेज आपने इनपुट करनी है किसी भी स्टूडेंट की और उसके मुताबिक जो है वो मैसेज शो करेगा कि आपका ग्रेट क्या है फाइंड आउट करेगा कि आपका ग्रेड कौन सा है तो अब आप क्या कीजिए इनपुट करेक्टर का जो आपने फॉर्म बनाया था उसी में क्या वैसे हाँ, यहां पर आप कर दीजिए टाइप एनी परसेंटेज कर दीजिए आप ठीक है यूजर्स इस इजली इंटरफेस उसको समझ सके कि यहाँ पर क्या चीज इनपुट की जा रही है और इधर भी आप लिख दीजिए एंट्रे your yeah, अब या प्रोग्राम को आप सेव कर लीजिए आप याद रखिएगा अब आपके उस फोल्डर के अंदर दो फाइलें हैं एक इंडेक्स डॉट है और एक आपके पास इनपुट करेक्टर के नाम से ना फाइल है लेकिन उसके अंदर आप जो है अब करेक्टर इनपुट नहीं कर रहे बल्कि अब जो है आप एक परसेंटेज इनपुट करेंगे इस बात को जहन में रखिएगा प्रोग्राम को आपने थोड़ा चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल उसके मुताबिक आपने चेंज किया फ़ाइल का नाम वही रखा हुआ आपने इनपुट करेक्टर और जो आपने फॉर्म डिज़ाइन किया था ठीक है बस यहाँ चेंज कर लीजिए जो आपकी हेडिंग है सेव कर लीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर आपने सिंपल पहला काम तो ये करना है कि जो आपकी इनपुट फॉर्म है यानी इनपुट करेक्टर है उस फाइल को आप एग्जीक्यूट कीजिए देख लीजिए अब यहाँ पे आपसे क्या है इनपुट परसेंटेज आपसे ले रहा है ठीक है फर्स्ट करें आपने परसेंटेज आपने इनपुट की सेवेंटी टू याद रखिएगा सबमिट कीजिए आउटपुट क्या आ रहे थे ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ये आउटपुट आप आपके आ, मुताबिक सही नहीं आ रहा लेकिन चूंकि प्रोग्राम के अंदर एफ्री कंडीशन लगा रखी है तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद की बाकी जितनी कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है तो उसने तमाम मैसेज चेकर दिए डिस्प्ले कर दिए ठीक है ज़रा उसको दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए अब के काम करते हैं सेवेंटी टू की जगह पर मैं एटी फाइव दे देता हूँ देखिए अब ग्रेड क्या आ रहा होगा चूँकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई है या नोट कीजिएगा जब ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी यानी कि आपकी परसेंटेज जो है एटीज से अव है तो ग्रेड ए प्लस भी लिखा हुआ आएगा ग्रेड ए भी आएगा ग्रेड बी भी आएगा ग्रेड सी भी आएगा क्योंकि तमाम के तमाम कंडीशन क्या है, हो हो रही रही है ओके तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए और चेक कीजिए जरा देख लीजिए आप ग्रेड ए प्लस ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी तो ये एक इशू आ रहा है सिंपल इफ कंडीशन के अंदर अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हो हाँ ये प्रोग्राम उसको बहुत अच्छा सही चलेगा जब आप आ, क्या करेंगे बैक कीजिए और परसेंटेज दे देते दे दे हैं सपोज करें आप फिफ्टी क्या फिफ्टी वन दे देते दे 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 हैं तो यहाँ पे आपने क्या कंडीशन लगा रखी है ग्रेड सी प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ कि चूंकि बाकी जितनी भी कंडीशन थी वो सब की सब सबसे सेटिस्फाई नहीं हुई है, फॉल्स हैं तो वो नीचे की तरफ यानी मूव करता रहा और जब वो लास्ट में ने पहुँचा इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर और यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो फिफ्टी से अबव थी तो उसने ग्रेड क्या दिया? कर दिया सी डिस्प्ले कर दिया ओके जनाब और इसने यहाँ पर अगर फर्स्ट करें मैं अगर परसेंटेज अगर ऐसी दे दूँ जो फोर्टी दे दूँ या फिफ्टी फाइव दे दूँ फोर्टी दे दूँ या फोटी फाइव दे दूँ या नहीं फिफ्टी से बिलो दे दूँ तो वो कोई भी रिमार्क या मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा करेगा क्योंकि आपने कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर लगा नहीं रखी कि वो फेल हो गया है या वो पास है तो आप देख लीजिए अगर मैं जो है परसेंटेज uh, जो है वो फोर्टी uh, फाइव दे देता हूँ तो देखें अब आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा ओके okay? तो यहां पर अगर देखा जाए तो इफ uh, का जो uh, का के, इफ कंडीशन uh, को अप्लाई आपने इस पर्पस के लिए इस के लिए तो ये इफ स्टेटमेंट यहां पर सुटेबल नहीं है यहां पर सही तरह से काम नहीं करेगी तो फिर यहां पे क्या करेंगे तो यहां पर आप फिर इफ और एल को इस्तेमाल करें तो देख लीजिए आप सिंपल इफ़ और सिफ़ में क्या करेंगे आप आप सिर्फ इस लाइन को कॉपी कर लीजिए इस प्रोग्राम को यहाँ से उठाइए यहाँ से आप को कॉपी कीजिए अब प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट कर लीजिए ठीक है अब इसमें क्या है इसके अंदर जो है वो आपने एल सिफ़ को भी इस्तेमाल किया है ये थर्ड टाइप की इफ़ स्टेटमेंट है देखें इसका क्या बेनिफिट हो, होगा इस सनेरियो के अंदर तो जनाब अगर ये कंडीशन जो पहली कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाती है तो आउटपुट आएगा ग्रेड ए प्लस और इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा बिल्कुल सबसे लास्ट में आ जाएगा यानी इस जगह आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ तो प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा लेकिन आउटपुट आ जाएगा सिर्फ ग्रेड ए प्लस अगर परसेंटेज जो है वो सेवेंटी और एटी के दरमियान है तो फिर क्या होगा

आपने कोई मल्टीपल ऑप्शन देने हो तो इस प्रोग्राम को आप सेव कीजिए आप और इसको एग्जीक्यूट करके देखें आप ज़रा बैक कीजिए ठीक है रिफ्रेश कीजिए यहाँ पर परसेंटेज दे दीजिए आप सेवेंटी टू सबमिट कीजिए ग्रेड ए आ रहा है प्रोग्राम बिल्कुल ओके चल रहा है बैक कीजिए यहाँ पर परसेंटेज दीजिए यहाँ पर सपोज करें एटी नाइन सबमिट कीजिए ग्रेड ए प्लस हुँ. फिर बैक कीजिए अब आप यहाँ पे देते हैं सपोज करें सिक्सटी फाइव सबमिट कीजिए ग्रेड बी हाँ एक इशू आएगा वो इशू ये आएगा कि अगर आप परसेंटेज दे देते हैं फोर्टी फाइव अब इसकी कंडीशन आपने यहाँ पर वहाँ पर कोई भी कोई भी नहीं लगा रखी है ना इसके ऊपर आपने कोई भी आ, आपने एक्सप्रेशन नहीं दी हुई तो इस केस में आउटपुट कोई भी नहीं आएगा और ये आ, काम जो है पहले केस में भी ऐसा ही हो रहा था तो इसका आ, देखें आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका हल ये है कि आप क्या करें कि प्रोग्राम के लास्ट के अंदर देखें इफ़ अगर यह कंडीशन ट्रू हो जाए तो यह काम करो अदरवाइज एल्स इफ़ में आ जाओ ये कंडीशन चेक करो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस एल्स ईफ पे आ जाओ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर इस एल्स ईफ पे आ जाओ ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करो तो फिर आप यहां पर else if में एक ऐसा ऑप्शन भी है कि यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल else कोई कंडीशन इस्तेमाल ना करें सिंपल एल लिखें और e को प्रिंट कर दीजिए आप सिंपल के यू आर फेल ओके जनाब और अब आप प्रोग्राम को चला के देखें कि इसका आउटपुट देखें क्या आता है कीजिए यहाँ पे आपने दिया सपोज करें 66 सबमिट कीजिए ग्रेड बी आ रहा है बैक कीजिए अब आप देते हो यहाँ पर 45 आउटपुट क्या आता है यू आर फेल क्लियर तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है आ, इफ, आ, इफ आ, और इफ और एल्स इफ को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दोनों कंडीशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको ये आ, डिसाइड करना होगा किस सिचुएशन के अंदर हमने सिंपल इफ इस्तेमाल करना है कौन सी सिचुएशन या सिनेरियो के अंदर हमें इफ और एल्स इस्तेमाल करना है और किस सिचुएशन के अंदर हमें इफ एल इफ और एल सिफ और एल्स इस्तेमाल करना है यह आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आप कि इस वक्त प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट क्या है और किसके लिए कौन सी कंडीशन कौन सी इफ स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर या ज्यादा सुटेबल रहेगी क्लियर जनाब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ और एल से इफ भी आपको समझ में आ गया होगा इसकी एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर कोई और एग्जाम्पल है तो ताकि और प्रोग्राम को ज्यादा एलिब्रेट किया जा सके ब्राउजर पे जाइए और डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए अच्छा इसके बाद है नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन अच्छा नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन क्या है नेस्टेड uh, इफ का मतलब है कि इफ के अंदर इफ यानी कि इफ देयर इज अनदर स्ट्रक्चर अनदर स्ट्रक्चर विद इन इफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यानी कि अगर आप इफ एक इफ के अंदर दूसरा दूसरी इफ का इस्तेमाल करते हैं या उस इफ के अंदर या उस एल्स के अंदर एक और इफ इस्तेमाल करते हैं तो इस केस को हम क्या कहते हैं नेस्टेड कंडीशन कहते हैं और इसको ये एक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में टिपिकल कॉन्सेप्ट है कंडीशन अप्लाई करने का लेकिन आ, बाद जगह पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और नेस्टेड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ जाती है तो किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं इसको देख लेते हैं इसका सेंटेंस क्या होगा पर समझ लीजिए आप देखिए आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर ठीक है उसके बाद कलर ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया है इस बात को जह में रखिएगा ये ब्लू कलर का मैंने कलर ब्रैकेट यहाँ पर दिया है तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये है ठीक है अच्छा ये सबसे टॉप के ऊपर है इसको हम कहेंगे अब आउटर इफ कहेंगे ठीक है ये आउटर इफ है इसके अंदर हमने एक और इफ ले लिया है कि इस कंडीशन को चेक करो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल नीचे आएगा और नीचे आने के बाद इस एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा और इसका जो ये इनर इफ कहलाएगा चूंकि ये आउटर इफ के अंदर एक और इफ है और इसको मैंने रेड रेड कलर से मैंने यहाँ पर डिफाइन uh, किया हुआ है लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी जाएगी कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा याद रखिएगा यानी ये काम करने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा बिल्कुल बाहर आ जाएगा ओके अगर सपोज करें पहली कंडीशन तो ट्रू थी जो आपका आउटर इफ है वो ट्रू था कंट्रोल नीचे आया और जो इनर कंडीशन है वो फॉल्स थी जब ये फॉल्स थी तो याद रखें फिर ये वाली जो ब्लॉक वन है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि जो एस में आने के बाद यहां पर जो स्टेटमेंट ब्लॉक टू लिखी हुई ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ओके और इसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ओके जनाब इस बात को जहन में रखेगा अगर इन केस पहली एक्सप्रेशन है जो आउटर एफ है ये यही फॉल्स हो जाता है तो याद रखिएगा कंट्रोल इसके अंदर नहीं बल्कि इसके एल्स में आ जाएगा यहाँ पर ओके okay? अगर आउटर इफ़ की कंडीशन जो है एक्सप्रेशन है वो पहले ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ आएगा इस एल्स पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद जो स्टेटमेंट ब्लॉक थ्री है ये एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट है किसका नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन का इसके अंदर भी हम चाहें तो एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल देख लेते हैं देख लीजिए ये एक प्रोग्राम है एक वैल्यू एक वेरिएबल है एन इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया नाइन्टी वन इस बात को जहन में रखिएगा नाइन्टी वन एक वैल्यू आपने स्टोर कर दी अब यहाँ पर देखिए आपने एक इफ इफ एक की एक्सप्रेशन लगाई है और इसका मकसद क्या है थोड़ा टिपिकल यानी कि टिपिकल एक्सप्रेशन है इसमें दोनों दो, दो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जा रही है एक मैथमेटिकल है और एक जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल यहाँ से यहाँ तक है यानी कि एन डिवाइड बाई टू यानी कि 91 को डिव, डिवाइड कर रहा है टू से जो पर्सन का सिंबल होता है ये डिवाइड करता है टू से और उसके अगेंस्ट आपको एक रिमाइंडर वैल्यू मिलती है याद रखिएगा पर्सन का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं रिमाइंडर वैल्यू मालूम करने के लिए नॉट डिवीजन डिवीजन में क्या होता है कि जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट uh, वैल्यू होती है वो यानी जो क्वेश्चन आप, आपका आंसर आता है वो uh, uh, उसको वैल्यू uh, निकल कर आती है लेकिन पर्सन से जब आप डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन uh, नहीं आता बल्कि रिमाइंडर वैल्यू आती है ठीक है तो जब रिमाइंडर वैल्यू आएगी नाइन्टी वन को जब टू से डिवाइड करेगा तो लाजमी है ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो वन आएगा लाजमी आएगा क्योंकि आखिर में जो नंबर दिया हुआ आपने वो नाइन्टी वन है तो ये बात आप जानते हैं कि अगर किसी भी डिजिट के आखिर के अंदर जीरो टू फोर सिक्स एट अगर हो तो वो टू से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर और उनका रिमाइंडर जो जीरो आता है लेकिन अगर किसी भी डिजिट के आखिर के अंदर वन थ्री फाइव सेवन नाइन हो तो याद रखिएगा जब टू से उसको डिवाइड करेंगे तो लाजमी है कोई रिमाइंडर आएगा तो चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो यानी वन आएगा और वन बराबर नहीं है जीरो के यानी वन बराबर नहीं है जीरो के तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू हो गई है जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो कंट्रोल कहाँ आएगा नीचे आएगा यानी वन बराबर जीरो के नहीं चूंकि यहां वन आ रहा है और यहाँ जीरो लिखा तो वन बराबर नहीं जीरो के कंडीशन ट्रू है कंट्रोल नीचे आएगा अब यहां पे लिखा हुआ क्या इफ डॉलर एन ग्रेटर देन टेन यस एन के अंदर वैल्यू क्या है नाइनटी वन यस एन के अंदर जो वैल्यू नाइनटी वन है वो ग्रेटर है टेन से बिल्कुल सही है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है ये भी कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या पहला ब्लॉक जो है वो डिस्प्ले एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिखा हुआ आएगा डॉलर एन यानी नाइनटी वन इज एन ऑड नंबर ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि यह नंबर क्या है ये ऑड नंबर है एन ग्रेटर देन टेन और दस से क्या है बड़ा भी है तो इसका मतलब है जो मैसेज ने डिस्प्ले किया है बिल्कुल सही किया है यहां पर आप नोट कीजिए एक छोटा सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम हो गया कि आपके 91 नंबर को बता रहा है कि ये नंबर ऑड भी है और 10 से अबव भी है और अगर सपोज करें यहां नंबर कोई और हो फॉर एग्जाम्पल यहां पर नंबर आप दे दीजिए ट्वेंटी uh, दे दें दे आप जब यहां पर ट्वेंटी नंबर देंगे और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए तो लाजमी है कि जब 20 को डिवाइड करेगा 2 से तो वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में जीरो आएगा और जीरो बराबर नहीं है जीरो के ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई जब फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहां आएगा कंट्रोल यहां आएगा डॉलर एन इन एन ट्वेंटी जो है, सही कह रहा है कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो जो है वो इवन नंबर है ये बात क्लियर हो गई अच्छा अब सपोज करें यहां पर नंबर दे देते हैं आप सिंपल नाइन सिंपल नाइन नंबर दे रहे हैं आप ओके यानी कि सिंपल वन डिजिट नंबर दे रहे हैं नाइन जब नाइन दे रहे हैं तो अब जो नाइन होगा वो डिवाइड जब टू से करेगा तो लाजमी है कि यहाँ पर जो है रिमाइंडर वैल्यू आएगी टू से डिवाइड करेगा और कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा तो यहाँ वन आ जाएगा अब जब वन आएगा तो वन बराबर नहीं है जीरो के तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई है कंट्रोल नीचे आएगा अब यहाँ पर एक और कंडीशन चेक किया डॉलर एन ग्रेटर देन टेन के है तो ये कंडीशन भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो कंट्रोल कहाँ आएगा इस एल्स के ऊपर आएगा और इस एल्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि डॉलर एन यानी कि नाइन इज एन ऑड नंबर बिल्कुल वो ऑड नंबर है बट लेस देन टेन वो दस से छोटा है यानी कि नाइन नंबर है ओके जनाब तो प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीटली एक यानी कि जस्ट लाइक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है कि कोई भी जब नंबर आप इनपुट करोगे तो वो ये बता रहा है कि वो नंबर या तो ईवन है या ऑड है एक बात तो ये बता रहा है दूसरी बात वो ये भी बता रहा है कि अगर वो नंबर ऑड होगा और वो टेन से छोटा होगा तो बता देगा कि वो नंबर जो है टेन से छोटा है और ऑड भी है या वो टेन से अगर होगा तो बता देगा कि वो ऑड नंबर भी है और वो टेन से ग्रेटर देन भी है तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दी गई है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम की जिसमें आपको वो इवन ऑड नंबर भी फाइंड आउट कर रहा है और साथ में ये बता भी रहा है कि ऑड नंबर की वैल्यू जो है वो टेन से अब है या लोअर है तो आप चाहें तो उस प्रोग्राम को आप चला के देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा तो उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम को बेहतर है कि आप चले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं आ, कोई ऐसा इतना मसला नहीं है आप भी इसको चला के देख सकते हैं तो आप सिंपल क्या कीजिए इस प्रोग्राम को यहां से ज्यादा कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से अपने रिमोव जाइए और इसी प्रोग्राम के अंदर यहाँ कॉपी कर दें इसको ठीक है जनाब अच्छा अब एक काम कीजिएगा प्रोग्राम को जो तो आप बेहतर तौर पर लिखीजिए ताकि समझने में आपको आसानी हो इफ के अंदर ये इफ है ठीक है और ये मैसेज इस इफ का है और ये एल्स इस वाले इफ का है और ये मैसेज जो है ये इस एल्स का है और ये एल्स पहले वाले इफ का है जिसको हम आउटर इफ uh, uh, कह, uh, कहेंगे और ये जो है ये इस एल्स का मैसेज है क्लियर हो गई बात याद रख लें मैं यहाँ पे कमेंट्स के तौर पर लिख देता हूँ कि ये क्या है uh, ये आउटर इफ कहलाएगा ओके ठीक है जनाब और ये आपका क्या है इनर इफ है ठीक है ये आउटर इफ का मैसेज है ठीक है उसको जहन में रखिएगा आप और ये जो है इनर इफ का मैसेज है यहां पर ठीक है और ये जो है याद रखिएगा ये आउट ये भी इनर इफ का एस ऑफ एफ याद रखिएगा ठीक है ठीक है जनाब और यहां पर आपने परसेंटेज चुके वेरिबल आपने एन यूज किया हुआ है तो इसको रिमूव कर लें यहाँ पर फिलहाल इसको हम यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बना लेते हैं और यहां पर वेरिएबल एन दे देते हैं अच्छा यहाँ पर हम टी एक्स टी इधर हम एन ओ देते दे हैं दे दे नंबर तक याद रहे आपको और इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए यहाँ पर ठीक है अब आपने चूंकि यहाँ पर अपने पोस्ट के अंदर टी एक्स नंबर यहाँ पे वेरिएबल आपने लिया हुआ है तो आपने अपने इनपुट फॉर्म के अंदर जो आपकी फाइल थी जहाँ पे आपने फॉर्म डिज़ाइन किया था तो वहाँ पर भी क्या कर लें आप जहाँ नेम के अंदर जो आपने टी एक्स लिखा हुआ था इसको आप टी नंबर कर लीजिए ओके तो याद रखिएगा ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये बड़े यानी कि सेंसिटिव होते हैं इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वेरिएबल अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपका प्रोग्राम सही तरह से चल नहीं पाएगा ठीक है तो फॉर्म जब भी बनाते हैं तो वहाँ पर जो भी आप नेम आप रखोगे वेरिएबल का नाम याद रखिएगा वो बड़े सेंसिटिव होंगे उन उन्हीं वेरिएबल को देखते हुए आपने पी एच पी की प्रोग्रामिंग करनी होगी फाइल को सेव कर लीजिए इसको भी आप और अब यहाँ पे आपने चूंकि आपने एक नंबर लिया है एनी नंबर लिख दीजिए मैसेज ताकि यूजर इंटरफेस आपका बेहतर हो जाए और यहां पर भी लिख दीजिए आप ठीक है जनाब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिफ्रेश कीजिए अच्छा एक मैसेज जो लिखा हुआ है इंटर परसेंटेज इसको फिर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो मैसेज लिख दीजिए इनपुट नंबर ठीक है जनाब अब इसको रिफ्रेश कीजिए लिखा हुआ है इनपुट नंबर फॉर इवन और ऑड यहाँ मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है अब यहाँ पे आप नंबर दीजिए फॉर एग्जाम्पल नंबर दे रहा हूँ मैं सेवन सेवन नंबर क्या है ऑड नंबर है और इसको शो करना चाहिए कि सेवन नंबर इज़ ऑड और लेस देन इज टेन सबमिट कीजिए देख लीजिए सेवन इज़ एन ऑड नंबर एंड लेस देन टेंथ अच्छा मैसेज को अगर थोड़ा सा मतलब बड़े फॉर्ड में डिस्प्ले करना है तो जैसे कि आप जानते हैं इंडेस फाइल के अंदर आप क्या कर लीजिए सिंपल ये कीजिए कि यहाँ पर आप एच वन का टैग इस्तेमाल कर लीजिए इस जगह के ऊपर ताकि ठीक है जनाब इसको सेव कर लीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करें uh, रिफ्रेश कीजिए नंबर दीजिए आप सपोज करें सेवेंटी वन सेवेंटी वन और नंबर है याद रखिएगा और ग्रेटर देन टेन भी है तो सबमिट कीजिए आउटपुट यही आना चाहिए कि सेवेंटी वन इज़ एन और नंबर एंड ग्रेटर देन टेन बैक कीजिए अब सिर्फ आप नंबर दे दीजिए सिक्स अब आउटपुट देखें क्या आता है सबमिट कीजिए सिक्स इज़ एन इवन नंबर ओके जनाब तो ये आपका प्रोग्राम था तो सिंपल हाँ अब मैं आपसे अगर ये चाहूँ आप इस बात को भी इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करें ताकि आप समझ सकें कि कंडीशन कंडीशन कैसे लगाई जा सकती है तो इस प्रोग्राम में ये कीजिएगा कि जब वो इवन नंबर बताए तो वो इवन नंबर के अंदर भी ये चीज़ चेक करें कि क्या वो इवन नंबर जो है वो टेन से ग्रेटर देन है या लेस देन है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप टास्क खुद करोगे आप ओके आपने करना क्या है आपने करना ये है इस प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड कंडीशन के अंदर ये चेक कर रहा है कि जो नंबर आप इनपुट कर रहे हो वो इवन है या ऑड है और उसके साथ ये भी चेक कर रहा है कि जो ऑड नंबर है वो टेन से अबव है या टेन से लेस uh, है क्लियर तो आपने इस प्रोग्राम में सिर्फ मॉडिफाई ये करना है कि इवन नंबर नम, और नंबर के साथ साथ इवन नंबर को भी चेक करना है कि इवन नंबर आप अगर वो डिस्प्ले कर रहा है तो वो टेन से ग्रेटर देन है या टेन से लेस है ओके तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंडीशन आप इस प्रोग्राम में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे और प्रोग्राम को थोड़ा सा और मजीद बेहतर तरीके से बना के दिखाएंगे आप ठीक है जनाब तो फिलहाल आज हमने इफ़ कंडीशन uh, को भी देखा इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन को देखा और उसके साथ साथ हमने नेस्टेड इफ़ को भी आज हमने डिस्कस कर लिया है इनशाला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्विच uh, स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और कंडीशन ऑपरेटर को भी हम देखेंगे ओके okay, जनाब तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़